बाला साहब ठाकरे अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा शक्ति केंद्र मातोश्री आज गहरी उदासी में डूब गया है। बाला साहब को विदा करते हुए पूरा ठाकरे परिवार गमगीन था और उधर तो फूट फूट कर रो पड़े। हमेशा के लिए प्रस्थान करते पिता को देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं बल्कि मजबूत कलेजा भी चाहिए, और उद्धव काठ कलेजा होने की इस परीक्षा में हार गए। पिता को अंतिम बार घर से विदा करने के लिए कलेजा कड़ा नहीं रख पाए उद्धव। भीतर भरा ज्वार आंसुओं की धार बनकर फूटने लगा और बेटे के लिए इसे संभालना असंभव हो गया। बेटे आदित्य ने शायद अपने पिता को कभी इस कदर रोते नहीं देखा होगा, ना ही रश्मि ठाकरे ने अपने पति को देखा होगा ऐसे विह्वल होते हुए। लाखों शिवसैनिकों ने तो अपने नेता को ऐसे नर्म पड़ते नहीं ही देखा होगा, लेकिन उद्धव आज पिता पति या नेता नहीं बल्कि बेटे की भूमिका में थे और आंसुओं का वेग इस बेटे को सहजता से बहा ले गया। माथे पर लाल तिलक लगाए और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए बाला साहब बड़े खामोशी के साथ जब अंतिम यात्रा पर निकले, तब बेटे उद्धव ने मन ही मन यादों की एक पोटली खोली। पिता की उंगलियों को थाम कर चलना, पिता के जवान कंधों की सवारी करना और पिता के साये तले बड़े होने की तस्वीरें। यादों की गठरी से निकली तस्वीरों को महसूस करते हुए पिता की अर्थी को कंधा देना बेटे उद्धव के लिए पीड़ा का पहाड़ बन गया। लेकिन इस भार को हल्का करने का उपचार भी शायद आंसुओं के पास ही होता है। किसी ने कहा भी है, जिस इंसान के पिता की मौत हो जाती है वो खुद ही अपना पिता बन जाता है और खुद ही अपना बच्चा भी। ऐसे में आंसू संभाले तो कौन, और आंसू भला संभले भी क्यों। आज तक ब्यूरो। लेकिन आज वक्त अलविदा कहने का ही है। कुछ ही देर में उनकी अंतिम यात्रा अब शिवसेना भवन पहुंचने वाली है। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार बात फिर से बाला साहब ठाकरे की करते हैं, उनकी शख्सियत की करते हैं। एक ऐसा नाम जो हर शख्स के लिए बिल्कुल अलग मायने रखता था। दोस्तों के लिए यारों के यार थे, अगली पीढ़ी के लिए वो मार्गदर्शक और सियासी विरोधियों के लिए बड़ा खौफ। नाम था बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे नहीं रहे। 86 साल की उम्र में सियासत का शेर जिंदगी की लड़ाई हार गया, अपने पीछे छोड़ गया महाराष्ट्र से लेकर देश की सियासत में एक बड़ा खालीपन। जिनके साथ कभी कंधा मिलाकर राजनीति की, उनके लिए एक ऐसे साथी का खोना है जिसने जिंदगी में कभी देशभक्ति से समझौता नहीं किया। 65 साल की स्वतंत्र भारत की राजनीति में मेरा संपर्क बहुत सारे नेताओं से आया है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बाला साहब ठाकरे एक महान मानव थे जिनकी छाप राष्ट्र और प्रदेश की राजनीति पर कभी न मिटने वाली गहरी छाप रही है। खुद को हिंदू हृदय सम्राट की तरह स्थापित कर चुके बाला साहब सियासत की अगली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक भी रहे। उनकी जैसी ही सियासी राह पकड़कर बड़ा मुकाम हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी के लिए उन्हें खोना किसी अपने को खोने जैसा है। देश ने तो खोया ही है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी एक मार्गदर्शक खोया है, एक स्वयं खोए है। मैं बाला साहब को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं, उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। ताउम्र कांग्रेस विरोध की सियासत करते रहे बाला साहब का यूं चले जाना कांग्रेस नेताओं को भी खल गया।
मुझे इस बात का दुख है कि बाला साहब ठाकरे जी का दुखद देहांत हो गया है। हालांकि वैचारिक मतभेद उनके साथ थे, लेकिन उनकी उनका साहस, उनका करेज ऑफ कन्विक्शन और साथ में उनका जो शार्प विट, वो प्रशंसनीय था और उसका मैं कायल था। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के लिए वो देश की राजनीति में एक झंझावात की तरह थे, और राजनीति में वो हमेशा उनकी पार्टी की ओर से झगड़ते थे, मेरे पर क्रिटिसाइज भी करते थे। लेकिन मैंने जब मैं मुख्यमंत्री था तभी जब भी मैंने अच्छे सुझाव रखे तो उन्होंने सपोर्ट करने का वादा किया था और उन्होंने निभाए। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की नजर में बाला साहब होने का मतलब है हिमालय की तरह विशाल और अधिक होना। मैं ये मानती हूँ कि उनका व्यक्तित्व तो हिमालय जितना ऊंचा था और हिमालय जितना ही अधिक। ऐसे व्यक्तित्व का जाना भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, और मुझे तो जीवन में उनसे बहुत आत्मीयता मिली। मैं अपने आप को धन्यभागी मानती हूँ कि भरपूर स्नेह एक ऐसी महान शख्सियत ने मुझे दिया, इसलिए मेरे लिए तो उनका जाना एक ऐसी कमी छोड़ गया है जो कभी पूरी नहीं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की जिंदगी का भी अहम हिस्सा थे बाला साहब ठाकरे। वो मानते हैं कि बाला साहब ने अगर उनमें भरोसा नहीं जताया होता तो वो शायद इस मुकाम तक कभी पहुंच ही ना पाते। जिस प्रकार से हमारे सबके मन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जिस प्रकार की श्रद्धा और प्रेम है, उसी प्रकार की श्रद्धा और प्रेम हम सबको बाला साहब के बारे में निश्चित रूप से हमारे सबके मन में है। मेरे लिए तो उनके साथ मेरा बहुत ही पारिवारिक रिश्ता था। मेरे ऊपर प्रेम करने वाला एक दिलदार व्यक्तित्व, नेतृत्व, ऐसा उनका एक स्वभाव था। छल कपट और कारस्थान को, किसी प्रकार के राजनीतिक कारस्थान को उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। जो उनके दिल में रहता था वही बात उनके मुंह में रहती थी, और बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने बात को कहते हुए कभी हिचकिचाते भी नहीं थे। बाला साहब की कमी तो उन्हें भी महसूस हो रही है जिनका सियासी जमीन पर कभी सामना नहीं हुआ। बाला ठाकरे जी मृत्युते তার পরিবার পরিজন তার শুভার্থী সকলকেই আমাদের শোক এবং সমবেদনা জানাচ্ছি। তিনি দীর্ঘদিনের একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং দীর্ঘদিন তিনি মুম্বাইতে রাজনীতি করেছেন মহারাষ্ট্রে, এবং কেউ তাকে মানতে পারেন কেউ না মানতে পারেন, এটা পলিটিক্যাল ইডিওলজির ব্যাপার, কখনো তর্ক বিতর্কও হয়েছে। কিন্তু বাল ঠাকরে নিজের একটা নিজস্বতা নিয়ে সারা জীবন রাজনীতি করে গেছেন। তার মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোক প্রকাশ করছি, তার আত্মা শান্তি পাক, এটা আমাদের। বালা সাহেবকে याद करने की सबकी अपनी अपनी वजह है। कार्टूनिस्ट से कद्दावर नेता तक की राह तय करने वाले बाला साहब सबकी जिंदगी में एक बड़ा खालीपन छोड़ गए। किसी ने कहा युग का अंत हुआ तो किसी ने कहा शेर चला गया। बाला साहब की शख्सियत ही ऐसी थी जिससे दोस्ती गांठी या फिर जिसके सर पर हाथ रख दिया उसका साथ हमेशा निभाया। सच तो यही है, दोस्त और विरोधी तो क्या, महाराष्ट्र उन्हें कभी भुला नहीं पाएगा। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ अमिताभ सिन्हा, मुंबई आज तक। रबाइये दिखाते हैं आपको अंतिम यात्रा की तस्वीरें। अंतिम सफर पर निकल चुके हैं बाला साहब ठाकरे, और मुंबई की सड़कों से होता हुआ यह काफिला बढ़ रहा है शिवाजी पार्क मातोश्री, जहां से यह काफिला निकला था। उनका पार्थिव शरीर इस अंतिम सफर पर निकला था बांद्रा से होते हुए माहिम। माहिम में जबरदस्त जनसैलाब, तस्वीरें देखिए। आज मानो पूरी की पूरी मुंबई और महाराष्ट्र के हिस्सों से आए तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र की पहचान बाला साहब ठाकरे, आप कह सकते हैं पहचान और आन के लिए लड़ने वाला टाइगर अब नहीं रहा। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने मौत से लंबी आंख मिचौली के बाद उससे हार मान ली, लेकिन अपनी दमदार शख्सियत के बूते करोड़ों दिलों को भी उन्होंने ही जीता। उनके निधन पर मुंबई उदास है और गम का सन्नाटा उतना ही बॉलीवुड की महफिल में भी पसरा है। पूरा बॉलीवुड नम आंखों और बुझे दिल से कह रहा है अलविदा सरकार। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, राज कपूर, शम्मी कपूर, देव आनंद, रजनीकांत, आमिर खान, संजय दत्त,
सलमान खान और किन किन का नाम ले, इसलिए एक शब्द में कहिए तो पूरा बॉलीवुड। कार्टूनिस्ट से राजनेता बने बाल ठाकरे की शख्सियत का एक सिरा उन्हें बॉलीवुड से भी जोड़ता है, इसलिए आज जब बाला साहेब नहीं है तो पूरा बॉलीवुड सिसकियां ले रहा है। ग्लैमर की दुनिया गमगीन है, लाइट बुझ चुकी है, कैमरा बंद हो चुका है, एक्शन खत्म हो चुका है। उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी थी महाराष्ट्र की राजनीति में और वो सदैव याद किए जाएंगे अपने अनोखे व्यक्तित्व के लिए। राजनीति की पगडंडी पर भले ही बाल ठाकरे किसी को हिटलर लगते रहे हैं तो किसी को एक जिद्दी और अहंकारी नेता, लेकिन बॉलीवुड की मखमली दुनिया उन्हें एक ऐसे मसीहा के रूप में देखती है जो बुरे वक्त में सबका साथ देता है। इसलिए जब उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ी तो बॉलीवुड का कामकाज ठप हो गया, फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग बंद हो गई और अब तो थिएटर भी बंद हो गए। बाला साहेब दूरदर्शी और मजबूत इरादों वाले थे, वो एक महान नेता थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बाला साहेब एक महान नेता थे और दूसरे कई लोगों की तरह मेरे लिए भी पिता समान थे, ये मेरे लिए निजी तौर पर एक बड़ा नुकसान है। सुरों के मलिका लता मंगेशकर ने 18 नवंबर को होने वाला अपना एक म्यूजिक कंसर्ट रद्द कर दिया। आज बाल ठाकरे की यादें उन्हें भावुक बना रही है। हिंदू हृदय सम्राट प्रणाम आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे, हम लोगों को छोड़कर अनंत में विलीन हो गए, ये सत्य है कि आज महाराष्ट्र अनाथ हो गया। 5 दिनों से बाला साहेब के निवास मातोश्री पर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा रहा। अपने बेटे अभिषेक के साथ अमिताभ बच्चन अपने बुरे दिनों के मददगार को देखने पहुंचे तो संजय दत्त भी ये दुआ करते रहे कि उनके मसीहा की जिंदगी का सूरज डूबे नहीं। अपने पिता सलीम खान और भाई अरबाज खान के साथ बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान भी उस रियल टाइगर को देखने के लिए पहुंचे जिसने बुरे दौर से सलमान को निकाला था। बाला साहब बड़े बेबाक और तेज नजर वाले थे, उनका न होना हमेशा खलता रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि ठाकरे परिवार को शक्ति मिले और बाला साहब की आत्मा को शांति। सबने दुआ की। मायानगरी रात रात भर सोई नहीं, लेकिन उसकी आंखें अब अपने उस बाला साहब को कभी नहीं देख पाएंगी जो पर्दे के आगे पीछे नहीं बल्कि मुंबई के स्क्रीन के सबसे बड़े हीरो थे। जैसे ही बाला साहिब ठाकरे के निधन की खबर आई पूरे बॉलीवुड में गम का माहौल छा गया। कुछ फिल्मी सितारों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए अपना दुख जताया तो वहीं अमिताभ बच्चन और आमिर खान को 2 अलग कार्यक्रमों में शामिल होना था, वो कार्यक्रम भी अब रद्द कर दिए गए हैं। धीरज जुनेजा, मुंबई आज तक।